नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में, आपके साथ अंशिका पांडे। अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की नियुक्ति के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद शुरू हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीएस आईएएस और आईएफएस अफसरों की केंद्र प्रतिनियुक्ति मामले में ज्यादा अधिकार मांगे, जिसका कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विरोध किया और साथ ही साथ सीएम बघेल ने इन अधिकारों से राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका भी जताई। आई देखते जुड़ी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि अखिल भारतीय सेवा के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार और एक पक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते हैं। ये संविधान में रेखांकित संघीय भावना की पूर्णता विपरीत है और छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास, वनों के संरक्षण सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। नियमों के बदलाव से इन अधिकारियों में अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक। इससे उनके शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति निर्मित होगी और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना, विशेषकर निर्वाचन के समय में निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और ऐसे में अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरुपयोग की अत्यंत संभावना है। पहले की कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को लक्षित कर कार्रवाई किए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संतुलन एवं सहयोग के लिए मौजूदा नियमों में पर्याप्त प्रावधान है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार कैडर नियमों के बदलाव के प्रस्ताव का पूरी तरीके से विरोध करती है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र मंत्रालयों और विभागों में काम के लिए राज्य पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और केंद्रीय क्रामिक व प्रशिक्षण विभाग ने 20 और 27 दिसंबर व बाद में 6 जनवरी को राज्य सरकारों को पत्र भेजे। इसमें कहा गया है कि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। इससे केंद्र को जितने अधिकारियों की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही और DOPT ने इसके लिए कुछ संशोधन सुझाए और राज्य सरकारों ने जवाब मांगा है। राज्य सरकारों को जवाब देने के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर तब तक भी राज्य सरकारों ने जवाब नहीं दिया तो केंद्र सरकार इसे सहमति मानकर नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर देगी। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।